हर की एलियन वाले एनिमे का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है। इसके अंदर हमें देखने को मिली है एनिमे के इतिहास की आज तक की सबसे सुंदर ग्रैंड मदर। एंड एक बार आप देखो इस ग्रैंड मदर को, कितनी ज्यादा हॉट है ये। इस एनिमे की जो मेन हीरोइन है ना, उससे ज्यादा सुंदर है इसकी ग्रैंड मदर। वेल, इस वीडियो का नाम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 3 को कम्प्लीटली। वेल, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हमारा जो लड़का है ना, वो अचानक से ग्रैनी के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है एंड हमारी लड़की उसके सामने बेहोश पड़ी हुई है। वेल, इधर की बुढ़िया का भूत लड़की का पैर पकड़ता है एंड कुछ तो करने वाला होता है गड़बड़ सा। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर आ जाती है, वो उसको धूल चटा देती है एंड उसके बाद हमें देखने को मिलती है ग्रैंड मदर एंड उस भूत की लड़ाई। ग्रैंड मदर एक बैरियर क्रिएट करती है अपने अराउंड एंड उस बैरियर के अंदर नहीं आ सकती वो भूत, एंड वो भूत जाके एक बैरियर के अंदर गिरता है जिसके बाहर वो नहीं आ सकता। तो ये जो बैरियर है, इस तरीके से काम करता है कि इस बैरियर के बाहर एंड अंदर कील गाड़ी जाती है एंड अगर ये जो कील है ये बैरियर के अंदर गाड़ी है तो भूत इसके अंदर नहीं आ सकता एंड अगर इस बैरियर के बाहर कील गाड़ी है तो भूत बाहर नहीं आ सकता। मतलब भूत को कैद करने के बाद ग्रैंड मदर उससे बदला लेने वाली है। उसके बाद जो हॉट ग्रैंड मदर है ना, वो थर की बुढ़िया को बोलती है कि मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूँ। थर की बुढ़िया बोलती है, अगर तुमने मुझे जान से मारा तो ये जो लड़का है ना मेरे अंदर, ये भी मर जाएगा। ये सुनकर जो हॉट ग्रैंड मदर है ना, वो बोलती है लड़का मुझे क्या। एंड उसके बाद सीधा नेक्स्ट सीन आता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि वो जो लड़की थी ना, उसको होश आ जाता है, वो होश आते ही जाती है अपनी ग्रैंड मदर के पास एंड ग्रैंड मदर किस पोज में बैठी है भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, इस एनिमे के अंदर सबसे हॉट इसकी ग्रैंड मदर ही है। मुझे लगता है कि इस ग्रैंड मदर को अपनी वाइफ लिस्ट के अंदर डालना ही होगा। क्या मतलब कि आप लोग डाल भी चुके हो, बहुत तेज हो रहे हैं। वह वो लड़की जाती है अपनी ग्रैंड मदर के पास एंड बोलती है कि वो जो लड़का था मेरे साथ वो कहाँ गया। ग्रैंड मदर बोलती है वो लड़का वो तो मर गया। वेल, एक्चुअली में जो ग्रैंड मदर है ना, वो जानती है कि इसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो उस पे बिलीव नहीं करती। इसकी ग्रैंड डॉटर को ये लगता है कि इसकी जो ग्रैंड माँ है वो एक्चुअली में एक फेक है। वेल, उसके बाद उसकी ग्रैंड डॉटर होती है ना, वो उससे माफी मांगती है, वो बोलते है कि प्लीज मुझे बताओ वो लड़का कहाँ पर है एंड उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसको बताती है, वो भागी भागी जाती है बाहर। वेल, जो लड़की होती है ना, उस लड़के की वजह से काफी ज्यादा डर जाती है कि उसको क्या हुआ होगा एंड यहाँ पर ये जो लड़का होता है वो आराम से चाय पी रहा होता है। वह उस लड़के के सामने दरवाजा खोलने के बाद थोड़ी सी इंप्रेस हो जाती है, वो फटाफट से गेट बंद करती है, वहाँ पर बैठ कर सोचने लगती है जो भी हो रहा है इस लड़के के साथ वो इस लड़की की वजह से ही हो रहा है एंड ये सब वो बातें कर ही रही होती है। तभी वहाँ पे अचानक से उसकी ग्रैंड मदर आ जाती है एंड उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर पूछती है क्या तुम लड़के को पसंद करती हो। वो लड़की बोलती है नहीं नहीं मैं इसको पसंद नहीं करती, मैं इसलिए इसकी चिंता कर रही थी क्योंकि इसकी जो हालत है ना वो मेरी वजह से ही है। फिर इसकी ग्रैंड मदर इसको टेस्ट करने के लिए इसको बोलती है ये लड़का तो कर्ज हो गया है, अब तो ये बेकार है, तुम जाकर अपनी जिंदगी जियो, इस लड़के को ऐसे ही छोड़ दो। पर जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है मेरी जगह अगर कैन टकाकुरा होता ना तो वो इसकी मदद करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता एंड इसलिए मैं भी नहीं हटूंगी, मैं इसकी मदद जरूर करूंगी। एंड ये सुनकर उसकी ग्रैंड मदर बोलती है अब तो पक्का हो गया तुम लड़के से प्यार करती हो एंड वो जाकर उस लड़के को बोलने लग जाती है कि ये तो तुमसे प्यार करती है। एंड ये सब कुछ वो मजाक में बोल रही होती है। वेल, ये सब हंसी मजाक के बाद जो उसकी ग्रैंड मदर होती है ना, वो एक्सप्लेन करती है कि वो जो थर की बुढ़िया का भूत है ना, वो कोई नॉर्मल भूत नहीं है, वो काफी ज्यादा शक्तिशाली भूत है। लगता है वो जो ग्रैनी है ना, वो शिवम की फैन थी। अरे मेरा नाम शिवम है। वह ये सब जो बातचीत वो बताती है ना, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि उस लड़के को उस लड़की को दोनों को जाकर उस भूत से लड़ना होगा ताकि वो उसका केला वापस लेके आ सके। जी हाँ भाई, वो बुढ़िया उसका केला चुरा के ले गई थी, बिना केले के जिंदगी यार कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जो हॉट ग्रैंड मदर है ना, वो उस लड़के से पूछती है तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। लड़का बोलता है ना के बराबर। ये सुनकर ग्रैंड मदर बोलती है इस बुढ़िया से लड़ने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, तुम्हारा ट्रेनिंग आर्क आज से ही शुरू होगा, तुम्हें करने होंगे 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स। एंड ये सुनकर लड़का डर जाता है भाई, एंड कोई भी डर जाएगा भाई, आपको पता नहीं डेली रूटीन साइतामा का था, अगर उसने ये कर लिया होता ना तो वो साइतामा बन जाता। एंड उस लड़की को भी बोलती है कि तुम्हें अपनी साइकिक पावर्स को स्ट्रांग करना होगा। उसके कुछ टाइम बाद ये दोनों ही ट्रेन कर रहे होते हैं। कैसे ट्रेन कर रहे होते हैं मैं बताता हूँ। वो जो लड़का होता है ना, वो अपनी टट्टी रोक के बैठा होता है भाई, ताकि जो लड़की है अपनी साइकिक पावर्स को स्ट्रांग कर सके। ग्रैंड मदर ने इस हाउस के अराउंड एक बैरियर क्रिएट करा था जिसकी वजह से वो लड़का बाहर नहीं जा सकता एंड अगर उसको बाहर जाना है तो उस लड़की की मदद लेनी होगी एंड लड़की अपनी पावर से उसको जब भी रोक सकती है जब वो उसको देख रही हो एंड जब वो भागने जाएगा तो उसको कैसे देखेगी वो। तो इसका सोल्यूशन ग्रैंड मदर बताती है, उसका सोल्यूशन ये है कि तुम जाके इसको टट्टी करता हुआ देखो। जी भाई, जब वो हाग रहा होगा ना तो लड़की को देखना होगा। एंड इस दौरान ग्रैंड मदर उसको कोई नई चीज सिखाने लग जाती है एंड इसी टाइम पर उसकी टट्टी निकल जाती थी। वो लड़का बोलता है मुझसे नहीं रुका जा रहा है, वो भागने लगता है। वो लड़की उसके पीछे पीछे भाग रही होती है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके एंड इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि वो लड़का हाग रहा होता है, वो लड़की उसको देख रही होती है।
एंड उसको देखते समय वो अपने हाथ के साथ साथ अपनी आंखें भी सेक रही थी। ये लड़की भी भाई बहुत ज्यादा ठरकी है। वेल, इसके बाद ये होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन। वो ये होता है कि वो जो लड़की होती है ना, वो सिर्फ एक सेकंड के लिए अपना ध्यान अलग करती है, तभी वहां पर वो जो ठरकी बुढ़िया का भूत होता है ना, वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। वो काइंड ऑफ टाइम को रोक देता है, इसी वजह से उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो कुछ नहीं कर पा रही होती। एंड वो ठरकी बुढ़िया का भूत उस लड़की को बोलता है कि मुझे पता है तुम प्लान बना रहे हो मुझे पेलने का, एंड इसीलिए ये प्लान कैंसिल करना होगा तुम्हें। एंड तुम्हें लड़ाई करनी है तो आज यहाँ ना होगा यहाँ पर, वरना भूल जाओ उस लड़के के केले को। एंड भाई लड़की उसको प्यार करती है, बिना केले के क्या करेगी उस लड़के का। एंड इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उस भूत से लड़ने जाएंगे। सो ग्रैंड मदर निकालती है अपना ओजी हथियार, अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स। एंड सच बताऊं तो ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स में, क्या बोलते हो? बात तो सही है। एंड वो लड़का एंड लड़की ट्रेडिशनल क्लोथ्स के अंदर निकल पड़ते हैं उस भूत से लड़ने के लिए साइकिल पे। एंड तभी अचानक से वो ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। लड़की बोलती है साइकिल से जाते तो कल पहुंचते, हमें आज ही लड़ना होगा, तेरा केला भी वापस लेना है मुझे। ठरकी लड़की। वेल, आसपास के सारे लोग उनको देख रहे होते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल क्लोथ के अंदर थे। सो वो लड़की अपने मॉडर्न कपड़े पहन लेती है एंड उसने कपड़े चेंज कर लिए सबके सामने, इतनी ज्यादा ठरकी। इस एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा टेक्निकल चीजें थी जो कि मैंने स्किप कर दी ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। वेल, ये जो ठरकी एलियन ठरकी भूत वाला एनिमे है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है एंड इसका एपिसोड 4 आने वाला है नेक्स्ट वीक। वेल, तब तक के लिए मैं तो चला इसी ग्रैंडमदर को सेट करने, आप अपना देख लेना। क्या करने वाली है ऐसा ग्रैंडमदर? अरे 100 रुपए तुम यहीं पे आके पेपर करोगे, बस पड़ी हुई है कम्प्लीटली सही है। और एक्चुअली में जो उसकी ग्रैंड मदर है ना वो जानती है कि उसकी लड़की पोती नाती जो भी होता है उसकी ग्रैंड डॉटर क्या करने वाला है। हमारी हॉट मदर बोलती है, मदर नहीं ग्रैंड मदर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। धनंजय भाई आपका स्पेशल थैंक्स क्योंकि आपने मुझे भेजा था, सुपर थैंक्स। एंड बाकी लोगों का भी शुक्रिया, उन्हीं की वजह से हम ग्रो कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।